नुनु भैया ने कहा भाई एक सस्ती सी यार सिक्स सीटर बताओ जिसमें यार मेरी फैमिली आराम से यार इंजॉय कर सके। मैंने कहा भाई ये देख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है न्यू मारुति सुजुकी एक्सएल 6 जेटा 2023, वो भी यार जेटा वेरिएंट जो है बेस मॉडल है। तो इसी का ही आज रिव्यू किया जाएगा। एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स ऑन रोड प्राइसिंग के साथ साथ इस गाड़ी के बारे में ये भी बताएंगे आखिर यार ये गाड़ी हमें क्यों लेनी चाहिए। तो भाई नन्नू भैया ने कहा कि ऐसी क्या खास बात है इस गाड़ी में कि मैं इसे ले लूँ। मैंने कहा भाई ये बेस मॉडल है लेकिन फीचर्स आपको फुल्ली टॉप मॉडल वाले मिलने वाले हैं। और भाई इस बजट में अगर किया कि या फिर कोई भी सेवन सीटर आप खरीदने जाओगे या सिक्स सीटर ही लेने जाओगे तो पहली बात तो इस बजट में आपको कोई सिक्स सीटर नहीं मिलने वाली है। सेवन सीटर मिलने वाली है तो एक एर्टिगा मिलने वाली है या फिर किया कैरेंस का कोई बेस उस मॉडल मिल जाएगा। बहुत आएगी ड्राइवर की तो बात ही करिए नहीं करनी क्योंकि भाई वो यार उसका इंजन उतना लेवल का पावरफुल नहीं है। तो भाई अगर यार अर्टिका और कैरेंस की बात करें तो किया कैरेंस का आपको बेस मॉडल आ जाता है, सेकंड बेस मॉडल आ जाता है प्रेस्टीज वेरिएंट। भाई तो मैंने कहा यार प्रेस्टीज वेरिएंट से ज़्यादा अच्छा है कि ये उठा लो भाई, एक बेहतरीन सिक्स सीटर का मज़ा भी मिलेगा, बेहतरीन प्रोडक्ट भी है, इंजन भी ताबड़तोड़ आपको मिल जाता है, साथ ही में फीचर्स की कोई कमी आपको देखने को इस वेरियंट में नहीं मिलेगी। जबकि किया कैरेंस में जाओगे तो ना ही LED हेडलैम्प मिलेगा, ना ही TRS मिलेंगे, ना ही अलॉय व्हील्स मिलेगा, ना ही अंदर उतने प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जबकि इसमें काफ़ी सारे अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। देखिए फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है, DRS मिल जाता है, LED में फॉग लैम्प भी मिल जाता है, रियर में LED टेल लैम्प भी मिल जाता है। यही नहीं इस गाड़ी में आपको यार डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो यार काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाते हैं। और यही नहीं इस गाड़ी का इंजन भी आपको 1.5 लीटर का बड़ा इंजन देखने को मिल जाता है जो कि आपको कैरेंस में भी देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए तो यार आपको कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। जबकि कैरेंस का प्रेस्टीज मॉडल की अगर बात करें तो वो आपको तकरीबन इससे 20,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, जबकि यह उससे 20,000 रुपये सस्ता पड़ता है। तो बताओ यार 20,000 सस्ता पड़ने के बाद भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अंदर आपको 7-inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। इंटीरियर अच्छा मिलता है। यही नहीं इस गाड़ी का माइलेज काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ मिल जाता है। 20 km का मारुति माइलेज में अप्रॉक्स क्लेम करती है जो कि यार किया कैरेंस से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये सब सुनने के बाद यार नन्नू भैया ने कहा हम तो चले अर्टिका लेने, भैया हमको अर्टिका ही चाहिए। तो भाई उनको तो समझ में नहीं आया इसे क्यों लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसकी ऑन रोड प्राइसिंग जान लेते हैं। ये गाड़ी आपको अप्रॉक्स 14 लाख रुपए में ऑन रोड एयरबिट नेक्सा गोरखपुर पे देखने को मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स शोरूम के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगी। अब चलिए चलते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है चल के देखते हैं। चलिए आइए चला जाए। पहले तो आप देखोगे डोर पर आपको रिवर्स सेंसर देखने को मिल जाता है और पूरा डोर हैंडल्स आपको क्रोम में ही देखने को मिलता है, चारों ही डोर हैंडल्स। देखिए रिवर्स सेंसर मिल जाता है जो कि सही बात है यार, अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो सही है। अब चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिलहाल अगर डोर की बात करें तो यार डोर काफ़ी वाइड ओपन होता है और काफ़ी बड़े साइज का डोर भी आपको देखने को मिल जाता है। ग्लास एरिया काफ़ी शानदार, UV प्रोटेक्टेड ग्लास इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। क्वालिटी प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से सही मिलती है, लॉक अनलॉक आपको मिल जाता है, सारी चीज़ें सब अच्छा लगता है देखने में। बाकी यहाँ सॉफ्ट टच देखने को आपको मिल जाता है, विंडो और उसके सारे कंट्रोल सही मिलते हैं, बटन होल्डर्स और स्पीकर आपको देखने को मिलता है। बाकी कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। मारुति सुजुकी एक्सएल 6 जेटा 2023 शानदार आपको इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाती है, मैनुअली ही मिलती है लेकिन मिलती है। बाकी अगर ऊपर आओगे तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट्स और बटन, आइडियल स्टार्ट्स और बटन और यहाँ पे ट्रैक्शन वगैरह, हेडलैम्प, लेवलर वगैरह सब कुछ मिलता है। गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, अब चलते हैं इसको बंद करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें ज़्यादा बेहतर। देखो यार अपने सेगमेंट के हिसाब से देखा ना तो ये गाड़ी बहुत अच्छी थी। अगर देखा जाए ना सिक्स सीटर के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था ये मारुति का। आज के रेट में यार इस गाड़ी को यार बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए इस वेरियंट की अगर बात करें जिस वेरियंट में आती है, देखा जाए आज की डेट में अगर एक प्रीमियम सिक्स सीटर खोज है ना तो ये रियली में यही एक ऐसी गाड़ी है जो रियली में आपको सिक्स सीटर में कम बजट में आपको एक प्रीमियमनेस प्रोवाइड करती है। और ये यही नहीं इस गाड़ी में स्पेस भी आपको अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं है फ्रंट का स्पेस बहुत अच्छा मिलता है, बाकी सारी चीज़ें जो है इस गाड़ी में फीचर्स वगैरह भी जो है वो भी अच्छे मिल जाते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लूँ, ऑन कर लिया जाए तो देखो भाई गाड़ी ऑन हो गई है। अगर स्टेयरिंग व्हील की हम बात करें तो इस वेरियंट में कोई भी स्टेयरिंग पे लेदर ट्रीटमेंट नहीं मिलता लेकिन माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ ही में आपको क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट पे। दूसरी चीज़ है इस वेरिएंट पे यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है, नॉर्मल सा स्टीयरिंग मिल जाता है आपको, यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको एनालॉग ही मिलता है, बीच में आपको MID मिल जाती है, फुल इन्फॉर्मेशन आपको देती है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये यार जो हरी वाली ग्रीन वाली लाइट है ना बड़ी अच्छी लग रही है देखने में, इसको आप चेंज कर सकते हो।
और वहीं पर बात करते हैं इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का आपको देखने को मिलता है, और मारुति वाले पुराने यूआई वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है मिलता है, जो कि यार अच्छा है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ वगैरह, रेडियो वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे हजार लैंप के कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता ही मिलता है। नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और वहीं पे आपको यहाँ पे यूएसबी भी देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बात करते यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो सामान वगैरह रखने की जगह, यहाँ पे कूल्ड आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है। गियर लीवर्स आपको देख सकते हो कितना यार स्मूथ है, देखो कितना स्मूथ है। तो गियर लीवर्स भी काफ़ी स्मूथ है, हैंड ब्रेक आ जाता है। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है, आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा। बाकी सीट की बात करें तो फैब्रिक में ही आपको सीट मिलती है, देख सकते हो फैब्रिक में ही आपको सीट मिलती है। कंफर्ट सीट का भाव काफ़ी अच्छा है, ग्लव बॉक्स भी ठीक ठाक साइज का मिल जाता है आपको। ये प्रीमियमनेस अच्छी लगती है, ये जो टचअप दिया गया काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी अगर बात करें तो ऊपर आपको कोई भी वारंटी मिलर ऊपर नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मैनुअली मिलता है। रीडिंग लैम्प, हैलोजन बेस, यहाँ पे आपको वारंटी मिलर देखने को मिल जाता है। हर एक चीज़ गाड़ी में सही मिलती है यार, मज़ा आता है इस गाड़ी में बैठ करके। जो भी चीज़ें इस गाड़ी में मतलब अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद ये गाड़ी मुझे शोरूम पे दिखी है, तो मैंने रिव्यू किया है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ ना तो इस हेडरूम, अगर आप देख सकते हो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है, हेडरेस्ट काफ़ी अच्छा है, हेडरूम भी अच्छा है। तो हर मामले में ये गाड़ी काफ़ी सही लगती है। अगर यार प्रीमियम प्रोडक्ट खरीद रहे हो आप तो रियली में ये गाड़ी आपके लिए सही है, अगर क्योंकि इस बजट में इतना प्रीमियम प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ है इस गाड़ी का एक अपना हिसाब किताब। चलिए इस गाड़ी को बंद करते हैं और चलते हैं इसके रियर की सीट पे, दिखाते हैं रियर की सीट पे आपको कितना ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है। चलिए आइए चलते हैं। भाई उतरने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, फ्रंट की सीट काफ़ी ज़्यादा शानदार है आपको। अगर यार इसको पीछे से देखोगे ना, पीछे से भी काफ़ी शानदार लगती है। देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम आपको लुक मिलता है रियर का, तो रियर से भी काफ़ी प्रीमियम ये गाड़ी लगती है। तो रियली में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको अर्टिका से तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है, जबकि प्राइस भी ज़्यादा देने को नहीं है। फिलहाल अगर इसके यार सेकेंड रो की बात करें तो देखो कितना बड़ा, कितना वाइड ओपन होता है इसका डोर, देख रहे हो। ग्लास एरिया देखो कितना ज़्यादा बड़ा मिलता है, गजब का क्वालिटी है भाई साहब। वहीं पे क्वालिटी भी ठीक मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉक अनलॉक मिल जाता है, विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सॉफ्ट टच यहाँ भी मिलता है, बटन होल्डर, स्पीकर वगैरह तो देखने को मिलते ही मिलते हैं यहाँ पे। बाकी यार देखो यार ये कैप्टन सीट मिल जाती है, बैठने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए आइए अंदर बैठते हैं, उसके बाद बात करते हैं कितना ज़्यादा मज़ा आता है। कम बजट में अगर आपको प्रीमियमनेस का इंजॉय करना है, मतलब ऐसी कैप्टन सीट का फुल प्रीमियम फीचर्स का इंजॉय करना है, तो भाई यही एक्सल 6 ऐसी गाड़ी है जो आपको कम बजट में एक बेहतरीन प्रीमियमनेस और एक तरह से कैप्टन सीट का मजा देती है, क्योंकि कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपको इस बजट में कैप्टन सीट ऑफर करती हो, तो यही एक ऐसी गाड़ी है। तो ये चीज़ यार इस गाड़ी का रियली में इकलौती और इकलौता प्रोडक्ट है सेगमेंट का, कोई दूसरी गाड़ी आपको नहीं मिलती है। बाकी बात है कैप्टन सीट की, जवाब नहीं यार, कैप्टन सीट तो आप लोग जानते ही हो कितना आराम है। आइए मैं आपको आराम भी दिखा देता हूँ, मैं कितने आराम से हूँ, देखिए कितने आराम से मैं बैठा हूँ यार। ये गाड़ी यार एक चीज़ है रियली में यार, अगर आपके घर में 4 पर्सन 2 बच्चे हैं ना, तो उसके लिए गाड़ी परफेक्ट है एकदम यार। फुल टू इंजॉय करके लॉन्ग जर्नी इस गाड़ी से आप कर सकते हो, खूब ज़्यादा कम्फर्ट इस गाड़ी में मिलने वाला, थकान तो होने वाली नहीं है, प्लस आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं जाने वाले हैं। बाकी यार यहाँ देखो हेडरेस्ट मिल जाता है आपको, दोनों ही तरफ कैप्टन सीट आपको दो मिल जाती है, पीछे आप दो हेडरेस्ट मिल जाता है। बाकी पीछे की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बैठ के मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आगे करना पड़ेगा सीट को थोड़ा। और वहीं पे अगर बात करें यहाँ पीछे की सीट में, यहाँ पे आप देख सकते हो 12 वोल्ट का सॉकेट्स मिल जाता है, यहाँ फ़ोन वगैरह अपना जो भी है रख सकते हो। ये है भाई इसका रियर एसी वेंट, तो यहाँ से आपको एसी वेंट्स कंट्रोल यहाँ से मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपने लिए दोनों पर्सन के लिए एसी वेंट्स को घुमा सकते हो, यहाँ पीछे के लोगों के लिए आप देख सकते हो। तो सही यार ये रूफ वाला एसी बहुत काम का होता है, काफ़ी अच्छा आपको फ्लो देता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको केबिन में काफ़ी अच्छा कूल महसूस होता है। ऐसा नहीं है यार आगे का सीट का जो आगे का जो एसी तो काम करता है, ये बस बीच में एसी जो दिया गया वो पीछे तक काफ़ी अच्छा फ्लो आपको दे देता है। पीछे की सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कप होल्डर्स मिल जाता है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। सीट यार बच्चों के लिए कंफर्टेबल है, फुल कंफर्टेबल है, अगर बच्चे बैठेंगे ना एकदम मज़े से, आपको एकदम कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम बच्चे आराम से मज़े से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बीच में आपको यहाँ पे
थोड़ा सा हम्प मिल जाता है जिससे आपके बच्चे आराम से सीट से आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये चीज़ यार बहुत अच्छी लगी है बच्चों के लिए यार, बहुत अच्छा है क्योंकि यार आराम से इतने में आपके बच्चे जो हैं छोटे बच्चे हैं आराम से चले जाएंगे, चले भी आएंगे आराम से, इसमें बैठ जाएंगे कम्फर्टेबली, आप सीट को आगे कर सकते हो पीछे करके अपने बच्चों के लिए जगह को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ यार मुझे बहुत अच्छा लगा है, आराम से बैठ सकते हो, बड़े भी बैठ सकते हो, कुछ समय के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपके बच्चों के लिए काफ़ी सही रहता है, कन्वीनियंट रहेगा, आराम से आ जा पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बैठ जाएंगे। तो यार इस बजट में यार इससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाता है, इंटीरियर कुछ इस तरह का मिलता है, मारुति सुजुकी एक्सल 6 2023 का कितना शानदार आपको इंटीरियर मिल जाता है, प्रीमियमनेस की एक मिसाल है, मतलब कम पैसे में आपको अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे देखो 12 वोल्ट का सॉकेट्स भी मिल जाता है, दिखाई दिया मैंने, बाकी सारी चीज़ें इस गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पीछे की सीट थोड़ी सी उठी हुई लग रही है आगे के मुकाबले, अगर पीछे यहाँ पे आप सेकंड रो पे बैठोगे ना तो थोड़ी सी उठी हुई लग रही है। तो ये देखो एक चीज़ इसमें ये है कि आगे की सीट थोड़ी सी मुझे डाउन लग रही है और पीछे ये मिडिल वाली सीट थोड़ी सी आपको ऊंची लग रही है, तो ये चीज़ सही है। तो हर चीज़ इस गाड़ी में आपको एक तरह से बेहतर मिल जाता है, तो मेरे लिए यार इस बजट के हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट रहा है। चलिए आइए उतरते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। अगर यार सेकंड रो की सीट पे भी अगर कैप्टन सीट मिल जाए ना तो रियली में यार गाड़ी का यार लॉन्ग ड्राइव का जो मजा है ना एकदम गजब का हो जाता है, कंफर्ट बेहतरीन हो जाता है, मुझे तो बहुत पसंद है। वहीं पे अगर यार इस गाड़ी को देखोगे ना इसका कलर कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है, इस कलर में मैंने पहली बार एक्सेल 6 देखी है, काफ़ी शानदार कलर आपको देखने को मिल रहा है। फ्रंट की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम के साथ साथ थोड़ी बहुत एग्रेसिव भी डिज़ाइन इसकी हमको देखने को मिल जाती है, काफ़ी शानदार है, प्रीमियम लगती है, फुल्ली LED है, जब रात में जलती है तो मज़ा आ जाता है। यहाँ देखो यार चारों यार आपको LED पैरल्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर, यहाँ पे आपको DRLs वगैरह मिलते हैं, LED ही फॉग लैम्प मिलता है, लोअर ग्रिल भी काफ़ी शानदार है, फ्रंट में आपको स्किड प्लेट मिलती है जो अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी शानदार लगता है। फ्रंट के ग्रिल में आपको देखो क्रोम का यूज़ काफ़ी भर भर के मारुति करता भाई, हर जगह आपको क्रोम मिलेगा देखने को, तो ये चीज़ है नेक्सा के जितनी भी गाड़ियाँ क्रोम बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर इसके लेंथ की बात करें तो इसमें आपको 4445mm की लेंथ मिलती है, विड्थ मिलती है 1775mm की, हाइट मिलती है 1755mm की, व्हील बेस की बात करें तो 2740mm की आपको व्हील बेस देखने को मिल जाती है, जो कि अगर देखा जाए तो सही है यार, अपने हिसाब से काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है और काफ़ी अच्छी खासी आपको व्हील बेस भी देखने को मिल जाती है। वहीं पर क्लैडिंग की बात करें तो देखो कितनी थिक क्लैडिंग मिलती है, देख रहा हो व्हील आज भी काफ़ी शानदार है, सस्पेंशन भी तगड़े वाले मिलते हैं, टायर साइज 195/60 और R15 इंच की आपको डायमंड का अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि सही है यार अपने सेगमेंट के हिसाब से, साइड में भी आपको स्किड प्लेट टाइप का सिल्वर फिनिश मिलता है जो कि सही है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ऑयल व्हील्स मिलते हैं, इंडिकेटर भी मिल जाता है, यहाँ पे डोर हैंडल्स, यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि अपने हिसाब से सही है। देखो भाई देख रहे हो ये यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिल जाती हैं, देखने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है देख करके, ग्लास एरिया बड़ा मिलता है, रूफ रेल भी काफ़ी अच्छी खासी तगड़ी वाली आपको मिल जाती है, क्वार्टर ग्लास एरिया अच्छा मिलता है, रियर की प्रोफाइल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, सबसे ज़्यादा प्रीमियम प्रोफाइल इसकी रियर की मुझे लगती है, देख रहे हो कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है गाड़ी देखने में, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लोअर ग्रिल पे आओगे तो देखो कार्बन ड्राइव का नीचे यूज किया गया, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, स्किड प्लेट भी आपको देखने को मिलता है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है, पूरी टेल लैंप आपको LED मिलती है, इंडिकेटर और रियर फॉग लैंप वगैरह जो भी है मिलता है, साथ ही में आपको यहाँ पे आओगे तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है, कोई कैमरा वगैरह इस वेरियंट पर आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखो एक्सेसरीज की बैजिंग मिल जाती है, बाकी क्रोम का यूज़ किया गया, रियर वाइपर, डीफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, सार्फिंग एंटीना जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं इसके बूट को खोलते हैं, देखें कैसा बूट देखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है 209 लीटर का आपको बूट मिलता है जो कि यार अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी सही है, ये देखो नीचे भी आपको बूट ही मिलता है, तो ये चीज़ यार MPV सेगमेंट 7-6 सीटर होने के बाद भी ये गाड़ी आपको यार 209 लीटर का बूट दे रही है तो बहुत बड़ी चीज़ है, सही है। यहाँ पीछे आप बच्चे आराम से बैठा सकते हैं और मज़े से बच्चे बैठेंगे, साथ ही में बूट का भी इंजॉय आप कर सकते हो, तो ये चीज़ अच्छी लगती है इस गाड़ी में। तो इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात जो लगी है मैंने बता दी है, इस गाड़ी में यार एक चीज़ है लुक भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिल जाता है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 PS की पावर देती है 140 Nm टॉर्क के साथ, CNG में भी आपको उपलब्ध हो जाती है जो कि यार सबसे बेहतरीन हो जाता है। तो भाई ये रहा मारुति सुजुकी एक्सेल 6 जेटा 2023 का रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।